डॉक्टर वाडिया को आमंत्रित करती हूँ यहाँ आपसे ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल विल्सन्स के बारे में बात करने को। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, डॉक्टर नागराल, डॉक्टर पारुलेकर एंड ऑल दी अदर्स फैकल्टी, पेशेंट्स एंड ऑल ऑफ यू जो बहुत लंबे डिस्टेंस से आए हैं। जैसे डॉक्टर नागराल ने बताया है कि हम आज न्यूरोसाइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ विल्सन्स डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। और उस बेसिकली विल्सन्स डिजीज़ एक बीमारी है जो डॉक्टर नागराल ने आपके बताई है, जो 1912 में पहले बताया है। ये इसमें जब पहले डिस्क्रिप्शन दिया था तो तभी दिया था कि ब्रेन और लिवर का डिस्क्रिप्शन दिया। इसके बाद हमें पता है कि सिर्फ ब्रेन और लिवर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, लिवर का प्रॉब्लम है, ब्रेन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और बोन का भी प्रॉब्लम है। और जैसे डॉक्टर नागराल ने बताया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया जैसी चीज़ें होती है। सो ब्रेन के बारे में हम बताएंगे। देर आर ब्रेन ऑल्सो देर आर टू मेन एस्पेक्ट्स, बिहेवियर और मेमोरी चेंज और दूसरा मूवमेंट डिसऑर्डर्स। मूवमेंट डिसऑर्डर्स ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक तो मूवमेंट स्लो हो जाता है, मैं एक वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि ये लड़की का मूवमेंट्स बहुत स्लो है, वो एकदम उसका चेहरे का हाव भाव निकल गया है। और आप हाथ भी देख सकते हैं कि एकदम अखड़ गए हैं, एक पोजीशन में आ गए हैं। तो ये पार्किंसोनिज्म है, जब जहां पूरी बॉडी की मूवमेंट स्लो हो जाती है। और आप देख रहे हो उसको मुट्ठी खोल के बंद करने की कोशिश करने को बोल रहे हैं, तो कितना समय लगता है उसको मुट्ठी के बंद करके। और जब खड़े रहती है तो उसके सहारे की जरूरत होती है और थोड़े स्टेप्स लेने में भी काफी दिक्कतें होती है। दूसरा पोजीशन कभी कभी होता है जो काफ़ी लोगों ने आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया रहेगा जब विल्सन्स की मात्रा आप में ज़्यादा थी, कि डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या होता है कि हाथ का एक पोजीशन ऐसा आना है। अभी ये लड़की को भी ऐसे आप हाथ उठाएंगे तो देख रहे हैं कि दो उंगलियां टाइट हो रही है, उसका हाथ का पोजिशन आ रहा है, तो इसको हम डिस्टोनिया बोलते हैं। सो डिस्टोनिया यानी ऐसे पोजिशन आना हाथ में या पैर में, और पार्किंसनिज्म यानि मूवमेंट्स स्लो होना है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि कंपन हो सकता है, और कभी कभी पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है, उसको हम कोरिया बोलते हैं। सो जैसे इस स्लाइड में बताया है कि मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, जहां मूवमेंट स्लो हो सकती है, डिस्टोनिया हो सकता है, ये दो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है। ट्रेमर्स वेरी स्पेसिफिक है लेकिन कम है, और कोरिया इज़ वेरी वेरी रेयर इन विल्सन्स। अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ लोगों को होते हैं कि फिट्स आते हैं, अकड़ी आती है, सीजर्स, कन्वल्जन। और ये कन्वल्जन भी कुछ कुछ विल्सन्स के पेशेंट में होते हैं, लेकिन दवाई से कंट्रोल करना काफ़ी आसान है उस कन्वल्जन्स को। कुछ लोगों को मेमोरी में दिक्कत होती है, स्कूल में पढ़ाई में ध्यान देने में दिक्कत होती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं पढ़ाई में, लेकिन अगर कॉपर की मात्रा जैसे जैसे कम होती है उस मेमोरी में, उस याददाश्त में भी सुधारना आती है। सो मेन चीज़ है कि कॉपर की मात्रा बॉडी में, पूरे बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता कम होगा तो बहुत सारे जो विल्सन्स के लक्षण है वो सब लक्षण कम होते जाएंगे। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होता है बिहेवियर चेंज, बर्ताव चेंज हो जाता है, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, थोड़ा खुदगर्ज हो जाते बच्चे, थोड़ा इमोशनल हो जाते, छोटे छोटे बात पे इधर रोने लग जाते या चिड़चिड़ बन जाते, ज़्यादा अटेंशन मांगते, मम्मी मेरे पास ही रहो, कहीं इधर न जाओ, भाई बहन रहेगा तो भी नहीं मम्मी मेरे पास ही रहो, तो ये डिफ़िकल्ट रहता है पीरियड मैनेज करने के लिए। बहुत बार बार वो फोकस नहीं कर सकते, उनको कुछ बताया है कि ये करना है तो वो फोकस नहीं कर सकते उस टास्क पे। कभी कभी उनका बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है, जो नॉर्मल सोशल बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा डिसइनहिबिट हो जाते हैं, यानी जो सोशल नॉर्म्स के बाहर हो जाते हैं।
अभी जैसे नॉर्मली जो पहले अगर वो लड़का लड़कियों से ऐसे फ्रीली बात नहीं करता है तो ओवर फ्रीली बात करेंगे या वो ऐसा एक्स्ट्रा फ्रेंडली बात करने की कोशिश करेंगे. सो ये इनहिबिशंस भी कम हो जाते हैं, स्लीप कम हो जाती है. कभी कभी जब बिहेवियर का प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं तो अग्रेसिव हो जाते हैं, मारने को जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, छोटी बात पे मारने को जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं. कभी कभी उनको लगता है कि मैं मेरे घर में नहीं हूँ या कोई मुझे तकलीफ़ देने आ रहा है, कोई मारने आ रहा है. इसको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं. ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम्स है बीमारी के शुरुआत में रहती है जब कॉपर की मात्रा ज़्यादा है. बहुत बार एकदम जब कॉपर की मात्रा रहती है तो पेशेंट जैसे आपको वीडियो में दिखाया था एकदम स्टिफ स्लो हो जाता है, तभी कोई बिहेवियर चेंज भी नहीं होता है क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकते तभी बहुत बार. लेकिन जब कॉपर की मात्रा कम हो जाती है और पेशेंट बात करने लग जाता है तभी बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं. सो बिहेवियर चेंजेस मे बी समटाइम इज द सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज सो बैड दैट देयर इज नो मूवमेंट, नो स्पीच. बात ही नहीं करेंगे तो बिहेवियर चेंज ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कॉपर की मात्रा गिरने लगेगी, बात करने लगेंगे तो बिहेवियर चेंज मालूम पड़ जाता है. और पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं तभी कि अरे पेशेंट सुधर रहा लेकिन ये क्यों हो गया. तो बहुत बार हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, जैसे जैसे बीमारी कॉपर कम होते जाएगी सब सब चीज़ सुधर जाएंगे. न्यूरो विल्सन्स के पेशेंट में, जिस पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट 100% हैव अ केस ऑफ प्रेशर रिंग या आई में कॉपर रहता है. क्योंकि आई और ब्रेन बहुत पास पास में है इसलिए आई में कॉपर की मात्रा बहुत कॉमनली दिखाई देती है. ये मैं दो केसेस बताता हूँ. एक ये लड़का है जो आई थिंक ये 2009 का वीडियो है उसका. जब आया था तो थोड़ा सा स्लो था और सॉरी आई डोंट हैव द वॉइस, लेकिन उसकी वॉइस में भी काफ़ी दिक्कतें हैं. You'll have to just wait till he starts walking. लेकिन चलने में बहुत अच्छा. आप देख रहे हैं कि मूवमेंट स्लो है. बंद कीजिए. हाँ, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, खड़े रहे. आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्पीड कम है. दोबारा एक साल बाद है कॉपर कम होने के बाद. छह साल गोली टाइम पे खा रहे हो? हाँ. और क्या क्या परहेज करते हो खाने में? अरे नहीं. अच्छा, दूसरे हाथ से करो. आप देख रहे कि मूवमेंट्स काफी सुधर गए. ऐसे करो. ओके, चल के दिखाइए हमें. आप देखें कि जो पहले की चाल थी जाइए वापस और अभी की चाल में फर्क है. सो मूवमेंट्स काफ़ी सुधर गया था लेकिन उसकी मम्मी काफ़ी परेशान थी उस समय क्योंकि बिहेवियर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता था और उसकी फैमिली बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि चिड़चिड़ा हो गया था, काम करने को नहीं चाहता था, कुछ करने के लिए तैयार नहीं था और सब कुछ मम्मी को ही देखना पड़ता था कि दवाई लिया है नहीं लिया है. सो मम्मी काफ़ी परेशान थी लेकिन अभी और 3 साल निकल गए हैं और काफ़ी सुधर गया है, खुद का काम खुद कर रहा है. सो हमारा ये कहना है कि समय दीजिए, जैसे जैसे वक्त देंगे जैसे जैसे बीमारी सुधर जाएगी. ये एक दूसरी लड़की है जो 2009 में आई थी हमारे पास. आप ये MRI में देखेंगे तो ये कॉपर की मात्रा है जो सफेद सफेद में दिखाई देता है, यानी काफी ब्रेन में कॉपर था उस समय. Tell me the days. बहुत स्लो हो गई थी. आवाज थोड़ा बढ़ाएंगे. Stand up. No, try without. खुद खड़े नहीं हो पाती, निगलने में भी दिक्कत थी. आप देख रहे कि इसका पेग ट्यूब है पेट पे.
try. Good. Let's see her walk. Come outside. और चलने में बहुत स्लो थी. Outside the door. कोई हाथ का मूवमेंट नहीं है, एकदम स्लो चल रही है. और ये 3 साल के बाद का है वीडियो. पहले तो बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी. ओपन दिस हैंड. और आप देख रहे हैं कि हाथ की मूवमेंट भी सुधर गई है. नाउ ओपन द अदर हैंड फॉर मी. सी वॉक. गो देयर आउटसाइड. और आप देख रहे हैं कि वॉकिंग का स्पीड पूरा चेंज हो गया है. कम बैक. और ये वीडियो को भी 2 साल हो गए. अभी आप देखेंगे तो लगेगा कि नॉर्मली आदमी है. आइए. वेरी गुड. सो मेरा यही कहना है कि विल्सन्स डिजीज में काफी समय लगता है, वक्त बहुत देना पड़ता है. ओके. दूसरी लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि पेनिसिलामिन खाने के बाद बहुत सारे लोगों का जो इनिशियली जब पेनिसिलामिन देते हैं तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं टेम्पररीली. और ऑलमोस्ट 30% लोग में ये होता है कि टेम्पररीली विल्सन्स में वर्सनिंग होती है. हम हमेशा लोगों को बताते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि जो कॉपर पूरा साठा है पूरा ब्रेन में बॉडी में, ये अचानक से कॉपर पूरा मोबिलाइज हो जाता है और अचानक ब्लड में कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है और टेम्पररीली वर्सनिंग होता है. लेकिन जैसे 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 समय जाता है वैसे वो कॉपर निकल जाता है और फिर जो वर्सनिंग होता है वो स्टेबल हो जाता है और फिर रिकवरी में आ जाता है. इसको अवॉइड करने के लिए हम पेनिसिलामिन जब चालू करते हैं तो एक ही गोली से चालू करते हैं. हम पूरा फुल डोज नहीं देते. मान लो फुल डोज 4 गोली 6 गोली भी रहेगा तो कभी 4 टैबलेट से कभी चालू नहीं करते. एक टैबलेट से चालू करते हैं, हफ्ता 10 दिन देखते हैं, फिर दूसरी टैबलेट देते हैं. इसी कारण देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये वर्सनिंग होता है. मान लो अगर तबीयत बिगड़ गई तो लोगों का कहना है गोली बंद करो. लेकिन गोली बंद करने से दूसरा रास्ता ही नहीं है ना अपने पास. तो वॉट वी डू इज वी वेट, वी स्टे ऑन द लो डोज पर रुकते हैं. और अक्सर जब रुकते हैं तो पूरा सेटल हो जाता है. तो बहुत सारी पेशेंट्स दिखाई देता है, देना पड़ता है दोनों फैमिली मेंबर्स को भी, ट्रीटिंग डॉक्टर्स को भी और ट्रीटिंग पूरा टीम को भी. बहुत सारा पेशेंस देना पड़ता है, बहुत सारा वक्त देना पड़ता है और बहुत सारी हिम्मत रखनी पड़ती है. हिम्मत और वक्त ये 2 चीज़ है. और बराबर ट्रीटमेंट करेंगे और बराबर डाइट का रिस्ट्रिक्शंस पालेंगे तो सभी विल्सन पेशेंट मान लो जिंक पे है या पेनिसिलामिन पे है सभी सुधरेंगे. लेकिन बहुत सारी पेशेंस चाहिए, बहुत सारा हिम्मत चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसका सभी का पालन करना पड़ेगा. तो मैडम ने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डाइट चेंजेस तो आपको बताएंगे आगे जाके. अगर कुछ लोगों को हम जिंक देते हैं, जिंक का यही काम रहता है कि जो बाहरी कॉपर आता है खाने में से कॉपर आता है वो शरीर में अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए जिंक दिया जाता है. लेकिन कॉपर निकालने के लिए हमें 2 ही अप्रूव्ड ड्रग्स है, पेनिसिलामिन और ट्रायंटिन. कुछ लोग टेट्राथायोमोलिब्डेनम का यूज कर रहे हैं लेकिन कोई भी प्रॉपर फॉर्मुलेशन नहीं है उस ड्रग का, इसलिए हम ज़्यादा करके डिस्करेज करते हैं क्योंकि इंडिया में पहले तो मिल नहीं रहा है और जो मिल रहा है उसका क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है. ट्रायंटिन भी इंडिया में नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो ब्लैक मार्केट से मिल रहा है और उसका सप्लाई का कोई गारंटी नहीं है. सो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैडम बोल रहे हैं हम पेनिसिलामिन ही यूज़ करना पड़ता है. पेनिसिलामिन के साइड इफेक्ट्स भी है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. जिस लोगों को पेनिसिलामिन सूट नहीं होती है उसको उनको जिंक ही देना पड़ता है. लेकिन सभी में डाइट कंट्रोल बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है. मान लो कुछ लोगों को जैसे डिस्टोनिया बताया, पार्किंसन बताया, तो और क्या कर सकते पेनिसिलामिन जिंक छोड़ के. डिस्टोनिया रहेगा तो हम एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं जैसे पैसिटेन है, बेक्सॉल है. कुछ लोगों को क्लोनाजेपाम दे सकते हैं, मान लो रिवोट्रिल, लोनाजेप, जैपिस करके अवेलेबल है. या तो टेट्राबेनाजीन दे सकते हैं जो रिवोकॉन से के नाम से पुकारा जाता है. जिस लोगों को पार्किंसनिज्म है हम लिवोडोपा कार्बिडोपा दे सकते हैं.
जिस लोगों को फिट्स आते हैं हम फिट्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जिस लोगों को डिप्रेशन है हम डिप्रेशन की गोलियां दे सकते हैं। ज़्यादा करके ये सभी चीज़ पहले 3-4-5 साल में लगता है। जैसे जैसे कॉपर की मात्रा शरीर में कम होती है, वैसे जैसे नॉर्मल होता है, ये सब दवाई का काम कम हो जाता है। सो ऑल दिस सपोर्टिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग। वंस स्टेबल हो जाता है तो बहुत सारे चीज़ कम हो जाते हैं। मैंने आपको बहुत सारे बिहेवियर सिम्टम्स के बारे में बात किया था, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सभी बिहेवियर सिम्टम्स सहन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए भी ड्रग्स है, क्विटायपिन, क्लोजपिन, ओलांजपिन जैसे दवाइयाँ है जो बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते। सो जितना हो सकते हैं हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दीज आर ओनली टू कंट्रोल सिम्टम्स। मेन बीमारी की दवाई है पेनिसिलिन और जिंक, और वो रहेगी, लेकिन ये इसके ऊपर सिम्टम्स कोई है तो उसको कंट्रोल कर सकते। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोस्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कितने भी खराब हो, पूरा बेड में क्यों ना आया है, एकदम बेड रिडन आया हुआ पेशेंट है, तो भी आहिस्ता आहिस्ता दवाई से सुधर जाएगा। इसलिए हिम्मत बनाए रखिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए और बहुत सारा हौसला चाहिए। स्पीच ये एक ही सिम्टम है जो सबसे लास्ट में सुधरती है और कभी कभार पूरा सुधर नहीं जाती है। दैट इज़ द वन दैट समटाइम्स कैन बी द प्रॉब्लम इवन 10 ईयर्स लेटर, बट उसका कोई चारा नहीं है। स्पीच थेरेपी इज़ द मेन ऑप्शन। कुछ कुछ लोगों को बोटॉक्स भी दिया जाता है वोकल कॉर्ड्स में, और वो भी हेल्प करता है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट डॉक्टर पारुलेकर इज़ देयर विद अस। वो आपको स्पीच सुधारने के लिए एक्सरसाइजेस कैसे किए जाते हैं, स्पीच थेरेपी कैसा किया जाता है, वो आपको बताएंगे। मेनी टाइम्स जो इम्प्रूवमेंट का कॉज है वो एकदम सीधा साधा बेड ऑफ रोजेस नहीं है। इट कैन बी स्टॉर्मी, इट कैन बी अप एंड डाउन। शुरुआत के 2-3 साल इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं, कभी कभी फिट्स आ सकते हैं, कभी कभी न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग भी हो सकता है। इसलिए फर्स्ट 2-3 ईयर्स बहुत सारा हिम्मत रखना पड़ता है, बहुत सारा विल स्ट्रांग रखना पड़ता है, और यही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और द एडवांटेज ऑफ हैविंग सच अ बिग फोरम जहाँ सभी स्टेज में विल्सन्स डिजीज के पेशेंट्स हैं। कुछ लोगों है जो अभी बिल्कुल बीमारी दिखाई भी नहीं देंगी, लेकिन आप जो है जो अभी वर्क को जॉब को जा रहे, पूरा विल्सन से फ्री हो गए, आप दूसरे जो नए पेशेंट्स हैं जो अभी ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं उनको हिम्मत दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, अपनी कहानी बता के उनको हिम्मत दे सकते हैं ताकि उनको ताकत आए और उनको भी लड़ने की क्षमता आए, और बीमारी से ये हम सब लोग हेल्प कर सकते हैं और सब लोग ये विल्सन से सिम्टम्स से हम मुक्त कर सकते हैं। लास्ट में मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग अभी कितने सालों से विल्सन डिजीज ट्रीट कर रहे हैं। विल्सन्स डिजीज़ कंट्रोल में कब रहता है, जब आप दवाई टाइम पे लोगे और कॉपर का डाइट फॉलो करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे रहते हैं तो पूरा मम्मी डैडी पूरा ख्याल रखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं कि वो क्या हालत में थी, क्या अवस्थे में थी। तो 1-2 केसेस ऐसे भी आए हैं जब बच्चा बड़ा हो गया, शादी करके चले गया, और फिर उसने सब दवाई बंद कर दिया, सब डाइट का ख्याल रख बंद कर दिया, क्योंकि अभी मम्मी डैडी से मुक्त है वो, और मम्मी डैडी से चिढ़ता था कि मम्मी डैडी मुझे अननेसेसरी दवाई खिलाते थे, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ दवाई खिलाते थे, मुझे जो अच्छा अच्छा पसंद था वो खाना नहीं देते थे, और अफसोस से वो एकदम खराब कंडीशन में वापस आ गया। सो अवॉइड दिस सिचुएशन। और जब बच्चे रहेंगे ना तो उनके फोटोज रखिए उनको दिखाई देने के लिए कि क्या हालत थी, दवाई से क्या इम्प्रूव होगा, ताकि उनको फिर आइडिया आए कि जब बड़े हो जाएंगे तो दवाई चालू ही रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट। एंड आई वी हैव सीन दीज मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स लोगों ने किया है, अभी हुए हैं, वी हैव ट्रीटेड देम, बाहर आए हैं, लेकिन अफसोस से 2-3 साल अपने जो अच्छे लाइफ के है वो खराब हो जाता है, जो जॉब था आपके पास वो जॉब चले जाता है। सो अवॉइड दीज सिचुएशंस। वंस यू आर फ्री ऑफ विल्सन्स ऑल्सो एनश्योर यू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज लाइफ लॉन्ग, जितने साल हम जिएंगे उतने साल जिंक या पेनिसिलिन खाना है और डाइट का पालन करना है। सो वो चीज़ आप प्लीज़, हम हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करते हैं,
लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, प्लीज डू नॉट स्टॉप, बिकॉज एकदम अच्छे हो जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं और फिर ऐसा हो जाता है ना, वी फील वेरी वेरी बैड. थैंक यू.